बड़ा सवाल यह है कि आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच क्यों? ये सवाल टीवी 9 भारतवर्ष ने उठाया और सोशल मीडिया पर इस वाजिब सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करने की आवाज जोर शोर के साथ उठी। शहीद के परिवार से लेकर नेता और कलाकारों ने भी कहा पाक के साथ क्रिकेट नहीं। इसी मुद्दे से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए Top9 #ban_pak_cricket। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले का विरोध तेज हो गया है। शहीद के परिवार ने पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने की मांग की है। शाहजहांपुर के शहीद सारद सिंह के परिवार ने कहा हमें पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं शहादत का बदला चाहिए। शहीद सारद सिंह की मां ने कहा कि जिस देश के आतंकियों ने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया उससे क्रिकेट नहीं होना चाहिए। वहीं शहीद के पिता ने कहा पाकिस्तान को खेल से नहीं बल्कि गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब दुनिया को पाकिस्तान पर बैन के बारे में सोचना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को हर जगह चोट पहुंचाने की जरूरत है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का विरोध करते हुए कहा कि ये जख्म पर नमक छिड़कने की तरह होगा। पाकिस्तान सिर्फ खूनी खेल खेलता है। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों के साथ खेल खेलने में बिलीव करता है, वो आग लगाने में बिलीव करता है, वो हत्याएं करने में बिलीव करता है, तो उसके साथ आप कैसा खेल कर रहे हैं? भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पंजाब के मंत्री परगट सिंह ने भी पाकिस्तान क्रिकेट पर बैन की मांग की है। परगट सिंह ने कहा कि सीमा पार जैसे हालात हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तान से कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलायसी ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का विरोध किया। इमाम इलायसी ने कहा है कि पाक से ना कोई खेल हो और ना ही किसी तरह का कारोबार। जब तक वो आतंकवाद को अपने देश से खत्म ना कर दे और जिस तरह से उनका रवैया है उस रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें ना तो कोई दोस्ती निभाने की जरूरत है और ना ही कोई रिश्ता निभाने की जरूरत है। हरिद्वार में साधु संतों ने भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का विरोध करते हुए पाक क्रिकेट पर बैन की मांग की है। संतों ने कहा कि आतंकी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। खेल भी बंद कर रखा है तो ये जो एक मैच का जो आयोजन कहीं हो रहा है दुबई में, इस पे प्रशंसन लगता है। भारत सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान क्रिकेट पर बैन की मांग तेज हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष के गंभीर सवाल उठाने के बाद पाक क्रिकेट पर बैन की मांग को ट्विटर पर जोरदार समर्थन मिला है। क्रिकेट के फैंस ने भी आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने की मांग की है। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान से क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई है। खिलाड़ियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बैन करना चाहिए। ये ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान से आतंकी हमारा हिंदुस्तान में घुस के ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो मैच तो मुश्किल है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।